सकती हूँ, मम्मी देती नहीं है दूसरी चीज की। नहीं तो गोदी में थी हमारे यहाँ। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में लग चुके होंगे। दोस्तों मैं भी अपने काम में लग चुका हूं और अब हो चुकी है सुबह और मॉर्निंग वॉक पर निकला हूं। मैं सोचा क्यों नहीं अभी आप लोगों से गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो चलिए आज के गुड मॉर्निंग की शुरुआत करते हैं रामचरितमानस की एक चौपाई के साथ। तो चलिए याद करते हैं राम को। कहते हैं तुलसीदास की, राम कथा सुंदर करतारी आ संशय बिहग उड़ाव निहारी। यानी कि राम की कथा इतनी सुंदर है कि सारे संशय को उड़ा देती है, खत्म कर देती है। जो भी हमारे मन में किसी प्रकार का संदेह या संशय वो खत्म हो जाता है दोस्तों। तो चलिए बने रहिए और आइए दिखाते हैं यहाँ पर दोस्तों। देखिए गुड मॉर्निंग एकदम हो रही है, सूर्य निकल रहा है और चारों तरफ लालिमा फैली हुई है और इस तरह की पूरी कहानी है और पूरा आसमान कोहरा से घिरा हुआ है। और मेरे साथ जो है कि अकेली आज लेक्सी है, इसको मैंने फ्री किया है थोड़ा सा, एक घूम ले। लाडो को नहीं लाया हूँ दोस्तों इसलिए कि उसको ठंडी थोड़ी सी लग जाती है, तो मैं इसी को घुमा रहा हूँ, लेकिन ये अलर्ट है। अब आगे इसको ले चलना है और पूरा सूर्य जो है कि निकल रहा है। तो हे सूर्य भगवान, आपकी रोशनी ऐसी फैले कि सभी के अंदर की नकारात्मकता क्या हो जाए, दूर हो जाए। दोस्तों देख सकते हैं नानी नतनी की हमेशा की तरह मस्ती चालू है और यह नानी ने इसको लड़की वाला ड्रेस पहनाया जो कि इस पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहा है। मैं तो बहुत टेंशन में हूँ क्योंकि ये हम ऑफिशियली है लड़की, बट इसको ड्रेसेस इसमें लड़की वाले एकदम अच्छे नहीं लग रहे हैं। मैं क्या करूँगी भैया, जब भी बड़ी होगी मैं इसको कैसे ड्रेसेस पहनाऊंगी? लोग खुश होते हैं कि लड़की है तो बहुत अच्छे अच्छे ड्रेसेस हेयर बैंड पहनाऊंगी, बट मेरे को तो ये टेंशन है कि इसमें एकदम सूट नहीं कर रहा लड़की वाले ड्रेसेस, तो कैसे मैं इसको डिफरेंट डिफरेंट ड्रेसेस पहनाऊंगी। और इसका सबसे फेवरेट चीज है फैन, देख रहे हैं लिटरली ये बंदी फैन को देखती रहती है, दिन भर फैन को देखती रहती है, इसने कभी फैन ही नहीं देखा होगा। ऐसा काम करती है, पहली बार तो देख रहे हैं मम्मा, इन लोग का मस्ती टाइम चल रहा है और ये देख के मुझे बहुत मन करता है कि मैं भी इसके साथ इतना खेलूं, बट क्या कर सकती हूँ, मम्मी देती नहीं है दूसरी चीज की। मैं भी थोड़ी सी अभी कुछ और चीजों में व्यस्त हूँ इसलिए मैं अपने डॉल के साथ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाती हूँ। में क्या क्या हुआ वो तो अलग बात है, सबसे बड़ी बात है कैसी हो गई ना कि क्या बताया जाए। एक बच्चे के घर जो है कि भैंस ने बच्चा दिया था, ठीक है ना, बच्चे के घर भैंस ने बच्चा दिया। अब बात ये हुई कैसे, मजाक में आप लोगों को मालूम है कितने लोग जो फेनुसा खाए होंगे वो लोग कमेंट करेंगे जरूर कि फेनुसा क्या होता है। तो फेनुसा भाई वो बहुत ही टेस्टी लगता है और हमको याद है कि जब हम बचपन में थे तो अगर किसी के मोहल्ले में भैंस बच्चा दे देती थी तो जो फेनुसा बॉली बार जब फटता था ना तो उसको घर घर बांटा जाता था सबके यहाँ जो है कि, और पूरी तरह से मैंने भले थोड़ा थोड़ा ही लेकिन जो भी मैंने आसपास के लोग थे सबको दिया जाता था। दूसरी बात ये होती थी कि जब भैंस का मट्ठा मारा जाता था दही, तो मट्ठा भी जिसको होता था लोग अपने घर ले आते थे खाते पीते थे। तो ये था जो है कि, और लोग आशीर्वाद भी देते थे तो क्या कहते थे कि पूतो फलो दूधो फलो, क्या दूधो नहाओ पूतो फलो, ऐसे बोला जाता था। ये कहानी थी जो है कि दूध से नहाओ और पूरा मैंने पुत्र बच्चे पैदा हो, सब इस तरह की कहानी होती थी। अब वो एक जमाना था तो उसी जमाने को लेकर के, जैसे हमारे यहाँ शैलेंद्र सर रहते हैं तो इनके एक बहुत नजदीकी कोई है तो उन्होंने कहा दिया कि अरे भाई हमको फेनुसवा नहीं खिलाओगे। अब इस कहने की बात थी तब तक फेनुस जो है कि, अब फेनुस भी दूध दो चार दिन तक चलता है उसके बाद गड़बड़ हो जाता है, फिर वो नॉर्मल दूध हो जाता है, फटता नहीं है वो। तो उन लोगों ने सोचा कि फेनुस बना दे, तो फेनुस नहीं बना, बनते बनते कुछ और बन गया और थोड़ा मोड़ा नहीं। अब कहने की बात थी भाई कि अब शैलेंद्र ने कह दिया है गुरु जी के घर जाना है हम लोगों के, तो भाई अब जाएगा तो जाएगा, तो देखिए क्या हो गया, इतना जो है कि ये बन गया है खोआ। और हम लोग पेट से उतने ही मजबूत हैं, देख सकते हैं इतना बड़ा है अब कि लगभग जो है कि 1.5 kg के आसपास खोआ है। अब ये किया क्या जाए, कौन खाएगा फेनुसा? तो ये तो खोआ हो गया है क्योंकि खोआ बन गया और फेनुसा बना नहीं। तो इधर क्या प्लानिंग हुई देखिए, हम लाए थे गाजर इसलिए कि जो है कि इसका सूप बनेगा और हम गाजर की सब्जी खाते हैं। तो ये हुआ कि इसको खपाने के लिए भी हुआ कि चलो भाई गाजर का बनाते हैं हलवा। और इधर दे रहा है कुकर सीटी,
तो अब गाजर का बनेगा हलवा, और इसमें भी कुछ हम लोगों का फेवरेट बन ही रहा है कुछ, तो अभी हम लोग चलते हैं गाजर का हलवा बनाते हैं अपने स्टाइल में, देखते हैं कि बन पा रहा है कि क्या हो रहा है। तो बने रहिए और हम लोगों के गाजर के हलवा का टेस्ट लेने के लिए। करिया चीज खा रही है तो गोर गोर आदमी जो है करिया करिया चीज खा रहा है, क्या जमाना आ गया है। तो हलवा का रंग केवल काला ही होता है, तो इससे ये समझा जा सकता है कि जो काला होता है वो बहुत ही फायदेमंद होता है, चाहे गुड़ हो, चाहे आदमी हो, और चाहे जो है कि भोजन हो। हाँ, करिया आदमी फायदेमंद का मतलब कि वो बहुत ही अच्छा होता है, समझ गई ना, ऐसा समझना। देख करके इनके मन में जो है कि लड्डू फूट रहे हैं, खा चुकी है, देखिए जरा सा, क्यों खा चुकी है, देख चुकी है, देखिए इनकी पूंछ जो है कि धीरे धीरे लगे स्टाइल में, देखिए इनका माने एकदम बादशाह है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वाह भाई वाह। तो चाहिए क्या? ना चाहिए नहीं, भी सोचा कि जो है कि क्यों नहीं मैं भी थोड़ा टेस्ट करूं, भाई लाइए एक चम्मच खाऊं मैं। अरे तो कटोरी उठ के अरे किसे किसे, ये दोस्तों ये कैसा हलवा है दादा, ये देखे ना ये हलवा कहाँ से निकली, तो कटोरी ऐसा हलवा कौन खाएगा दादा। अरे दादा बाय दोस्तों, ये हलवा की पत्थर है, आइए दादा। ए रंजू कैसा हलवा बना दिए हैं तो पत्थर, अरे दांत नहीं ना हमारा, हमारा वैसे भी दोस्तों नहीं खाऊंगा, लोहा का दांत लगवाया हूँ, निकल करके बाहर चला गया तो मैं क्या करूंगा, गर्म करके। हाँ, क्योंकि इसमें सिर्फ ड्राई फ्रूट और गुड़ है ना, इससे इतना स्टिकी हो गया है। अरे दादा इसमें तो चिपको आंदोलन हो गया मेघा पाटेकर वाला कुल। तो दोस्तों शाम का समय है, सब लोग अपने अपने काम में बिजी हैं, लेकिन अब कहीं बता रहे थे ना खाना पीना पड़ा, सभी इधर उधर से किया जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। मैं इतना घी डाल दी हूँ, इसमें डाल दी शुद्ध घी, गजराइन माखने का नहीं, ठंडू के पास में इलायचियाइन डाल, माखने के लिए इलायची डालेंगे तो इलायचियाइन माखेगा, एकदम दुकान की तरह हो जाएगा। अरे दुकान फेल है, दुकान की क्या बात है, सुपर टोटी का दुकान है यहाँ पर जो है कि रंजू हलवाई के द्वारा तैयार किया हुआ देखिए बज कर रहा है, इसमें से कह रही कि काछ दीजिए, इसको कैसे काछा जाएगा देखिए। वाह रे रंजू वाह, तो इस तरह से चला करके सारा इसका पानी जलाएंगे रंजू को भाई, थोड़ा सूंधा करेंगे ना। गजब, इसके बाद इसमें पड़ गया इलायची की, ताकि ये गजराइन न महक करके इलायचियाइन महके इलायचियाइन महके। दोस्तों मेवा तो है मेरे पास सब कुछ, लेकिन नहीं डालूंगी बिना मेवा के बनाऊंगी, भाई जब उसमें थोड़ा सा इधर उधर आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो इसलिए खोआ है, ये देख ही रहे हैं आप लोग की जो है कि मंगनी का खोआ आ गया है, मंगनी के होते हैं घर का है, इसमें क्या है मंगनी, मैंने प्यार से दिया हुआ खोआ है, न मंगनी है न कुछ है, मैंने ऐसे बोल दिया लाई खोआ, आवश्यकता अनुसार डालिए, थोड़ा भी डाल दीजिए ज्यादा भी डाल दीजिए, लेकिन यहाँ तो बुरा लग रहा है ठूस ठूस कर क्या है दोस्तों, ये खोआ है इतना शुद्ध खोआ है, अब इसको कई रेसिपी आप लोग को मिलेगा। हाँ खोआ का अभी ब्यूटी करेंगे मम्मी, मैं गुलाब जामुन बनाऊंगी, नहीं बनाऊंगी बैठ नहीं पा रही तो बनाएंगी, मैंने रंजू बना देंगे बना देती, बाप रे तो दो तेपरा इसमें खोआ, नहीं तो बहुत लोग दूध भी डाल देते हैं, लेकिन खोआ से फटाफट हो जाएगा, झटपट हो जाएगा, झटपट खोआ डालकर बनाओ इसका हलवा। तो अब इसमें पड़ेगा जो है कि चीनी, थोड़ा चीनी कमी पड़े, नहीं तो बहुत ज्यादा मीठा होगा, तो खाने में हम लोग गुड़ वाला बनाते थे, एक गुड़ वाला बनी रंजू रामदेव जी वाला, तो रामदेव जी वाला गुड़ वाला बनेगा पहले, इतना खत्म तो हो, आलू पराठा के बाद स्वीट डिश मिलेगा, आलू पराठा के बाद स्वीट डिश, खोआ एक्सेस हो गया है लेकिन बहुत शानदार होगा। थोड़ा और
तो इस तरह समझो कब तक इसको क्या किया जाएगा। दोस्तों हम लोगों का हलवा जो है कि तैयार हो गया है। यहाँ पर देखिए इस तरह का शानदार, और टेस्ट कीजिए देखिए। और यहाँ पर जो है कि देखिए आलू पराठा बन रहा है। और यहाँ पर जो है कि दिल्ली के पास का मुरथल फेल है, मुरथल ढाबा फेल, और यहाँ पर सारा कुछ शानदार बनता हुआ। ये आपके लिए बिना घोसा हुआ मैं खाता हूँ दोस्तों, ऐसे ही एकदम लगाइए खाइए चकाचक। ये है ग्रीन चटनी, तो ग्रीन चटनी के साथ खाना तो मजा ही देता है। और इसके बाद देखिए ये भिगोया गया अंजीर, और इसके बाद स्वीट के रूप में अंजीर मजा दे देता है दोस्तों। देखिए कैसे खिल रहा है धीरे धीरे, धीमा आंच करके, आग नहीं तो पूरा धीमा आंच कर देने के बाद पुआ जैसा जो है कि देखिए मुलायम एकदम खिल जाता है। शानदार जो है कि दोस्तों इस तरह से बनाया जा सकता है। तो ये बन गया मेरा, देख रहे हैं एकदम खिल कर एकदम फुल करके पुआ बन गया। चलाओ कहाँ दोस्त, थोड़ा सा हल्का सा देखिए, देख रहे हैं देख हाथ जल जाएगा, देखिए बहुत शानदार। दोस्तों ये आ गया मेरे हाथ में जो है कि देखिए शानदार थाली, और थाली में ग्रीन चटनी और फुला हुआ एकदम शानदार जो है कि हमारी मकुनी, और इस मकुनी को हम खाएंगे और आनंद लेंगे दोस्तों। तो चलिए आप लोग भी देख करके जो है खा लिया, और ब्यूटी करे खाना आ गया प्लेट में, अब जाएगा पेट में। खाना आ गया प्लेट में, अब जाएगा पेट में। तो आप लोग भी थोड़ा सा खा लीजिए, ब्यूटी थोड़ा खिला दो तोड़ करके वहीं से। बहुत गरम है, बहुत गरम है, हरी चटनी, और ये लीजिए खा लीजिए दोस्तों। अरे गजब, ये और इनका देखिए, ये तो जहाँ भी जो है कि लालची हैं, इनको मैं लालची कहता हूँ क्योंकि इनको कितना भी खिलाते हैं मतलब बस मुंह गिरा करके आ जाती है, क्या परेशान कर रही हो यहाँ पर दादू को। नहीं नहीं मैं नहीं कहूँ, नहीं कहूँ, नहीं कहूँ, नहीं कहूँ, नहीं कहूँ ना, सुनते हो कही हो कहोगी, नहीं 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 कहेंगे। बार्क, नो 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 नो, बार्क नहीं करना है, खाना है खाना है, बार्क समझती है बस केवल।